मैं तुम्हें मेरी स्थिति क्या बताऊं। कृष्ण ने अपनी आंखें मुंदी और देखा कि यह जो सुदामा है केवल कृष्ण कृष्ण कहता है, और उसको वहां पौंड्र कृष्ण नाम का और एक कृष्ण का डुप्लीकेट था। वो बार बार कहता था कि तू तेरे कृष्ण का नाम छोड़ दे और मेरा पौंड्र कृष्ण का नाम ले, मैं तुझे धनवान बना देता हूं। लेकिन उसने कहा, मैं मेरे सखा कृष्ण के सिवा मैं किसी का नाम नहीं लेता, मेरे कृष्ण सखा है, मैं जिया मरा उनके नाम से। और वो उसी इससे कहा, जब कृष्ण ने ये सारी चीजें दृश्य में देखी कि मेरा सुदामा कितना गरीब है, मैं इतना सब ऐश्वर्य भोग रहा हूं जो कृष्ण कृष्ण करके मेरे भरोसे पे जीता है, उसने गुरु पर भी भरोसा नहीं किया, मुझ पर भरोसा किया। कृष्ण ने उनको उठाकर रथ में बिठाकर अपने आसन के पास तक ले गए और कृष्ण को कृष्ण ने कहा, सुदामा तो बैठ। और ब्राह्मण थे इसलिए उन्होंने उनके अपनी पत्नियों को बुलाकर उनके चरण धोए और अपने आंखों के आंसुओं से उनके चरण धोकर कहा कि सुदामा मैं तेरी स्थिति नहीं देख सकता। तो उसने कहा, कभी भी बात यह है कि कृष्ण ने भी कहा कि उस दिन अगर तू गुरु को गुरुदक्षिणा देकर निकल जाता तो ठीक था। तो तब भी कृष्ण कहते हैं कि आज मेरे लिए क्या लाया है, यानी बिना दक्षिणा दिए कोई काम होने वाला नहीं। सुदामा के आंखों में आंसू थे, मैं तेरे लिए क्या रहता हूँ, मेरे घर में थोड़े से पोहा था वो मैं बांध के रखा तो छुपा रहा था, क्योंकि इज्जत मैं कृष्ण के लिए पोहा लाया हूँ, उस इतना ऐश्वर्य में जीता है, वो तो सोने की थाली में चांदी की थाली में खाता है, वो पोहा क्या करेगा। लेकिन कृष्ण ने कहा, वो पोहा चल निकाल और मुझे दे। यानी दक्षिणा बिना लिए गुरु भी काम नहीं करता, ना देवता भी, ना कोई काम नहीं करता। दक्षिणा का अर्थ ये है, महालक्ष्मी ने कहा था अपने जीवन में जो कार्य तुम किसी मजदूर को भी काम कर लेकर अगर मजदूर को मजदूर की मालकीना या उसका मालकाना हकत नहीं देते तो भी तुम दरिद्र हो जाओगे। किसी से मेहनत लेते हो और उसको पैसा नहीं देते, उसको नहीं करते तो भी तुम दरिद्र हो जाओगे। इसलिए ये तो गुरु है, तुम्हें ज्ञान देने वाला है। तो उन्होंने कहा, कृष्ण ने तब कहा कि तू क्या लाया है। तो उसने अपने पोहे की जो छुपा रहा था वो लिया और पहले पोहे का जैसा ही ग्रास लिया, देखते हैं कि कृष्ण का घर महलों से भर गया और उसकी पत्नी पर बहुत जरी की साड़ियां आई। दूसरा घास खाया तो पूरे घर में सोना चांदी धन धान्य भर गया। जैसा ही तीसरा घास खा रहे थे तो सत्यभामा ने और रुक्मिणी ने रोका कि क्या तुम सर्वस्व कृष्ण सुदामा को दे दोगे, हमारे लिए कुछ लिए रखोगे या नहीं। तब कृष्ण ने देखकर कहा कि मैं दे रहा हूं, उसने अपना जीवन मेरे लिए दिया है, मैं मेरा जीवन देता हूं। और वो पोहा का दो ग्रास कृष्ण सुदामा को बहुत ही धनवान बनाए। और जब वो देखकर कृष्ण ने कहा कि सुदामा अब तू तेरे घर को जा, तुझे अभी दरिद्रता नहीं भोगने पड़ेगी, क्योंकि तूने उस समय कृष्ण गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दी थी, आज मैंने तेरी दक्षिणा स्वीकार की है, क्योंकि तूने मुझे यह पोहा दक्षिणा के रूप में दिया है, मैंने स्वीकार किया है। और सुदामा लेकर कृष्ण को नमस्कार करके तो कृष्ण को वहां तक छोड़ते आया और रथ वालों को कहा कि इसको उसके घर तक छोड़ के आओ। रथ देकर जब भेजा तो सुदामा अपने घर को जाते जाते उन्होंने देखा कि अपना घर ढूंढ रहे थे, उसका तो घर झोपड़ी से महल बन गया था। बोले, ये महल किसका है, मेरा घर नहीं दिख रहा है। तो उतने में उनकी पत्नी बाहर आई और उन्होंने देखा कि रथ पे कौन आ रहा है, रथ पे सुदामा आ रहा है। तो उन्होंने कहा, अजी मैं हूं। सुदामा को आश्चर्य लगे, महल कैसा, क्या पता रातों रात महल हो गया। तब उन्होंने कृष्ण की उस स्थिति को जो दक्षिणा देकर उन्होंने कृष्ण ने उनको महल ऐश्वर्य दिया, वो देखने के बाद उन दोनों ने भी कृष्ण को नमस्कार किया और अपने पत्नी को लेकर सुदामा कहते हैं कि चल, मैंने गलती की थी, मेरे गुरु को कुछ भी मैंने गुरु के ऊपर भरोसा नहीं किया और गुरु को मैंने कोई दक्षिणा नहीं दी थी, मैं केवल एक छोटी सी साधना गुरु जी के पास किया हूँ, आज ऐश्वर्यवान बना हूँ। और फिर वे अपने पत्नी को लेकर गुरु के पास आए और कहा कि उस सेमल वृक्ष को कि मैं 108 आहुति देने के बाद कृष्ण कृपा से, गुरु कृपा से वे उतने महान बने। ऐसी ही एक श्रेष्ठ साधना आज तक किसी ने ये साधना नहीं दी, ये कृष्ण एक पहली बार मैं आपको इस सेमल वृक्ष की साधना दे रहा हूँ जो मनोकामना पूर्ति साधना है। आप समझते हैं कि अपने आपके जीवन में दरिद्रता है, धन का अभाव है, नौकरी नहीं मिलती है, तो ऐसी ही साधना मैंने आज आपके लिए इन तीन दिनों में करने के लिए, केवल एक घंटे की साधना है, उसके ऊपर 100 माला 100 बार मंत्र जप करना है और 100 मंत्र से आहुति देना है। उससे उस आप स्वयं अनुभव करेंगे कि अगली गुरु पूर्णिमा में आप सब लोग आज अगर चलते ट्रेन में आएंगे तो आए हुए हैं, तो अगले गुरु पूर्णिमा को आप सब लोग कार में आएंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूं। आप सब लोग धनवान बने, आपकी इच्छा पूर्ण हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसा ही कहता हुआ ऐसी ही मैंने छोटी छोटी चार साधनाएं आपको दी है। ये तीन क्षण में आप खाली बैठने से भी पहले गुरु मंत्र कर लो, चेतना मंत्र करो और
उसके बाद गायत्री मंत्र करो, और आपको हो सके तो वो साधना जरूर करना, और अगले साल जब आते हो तब कहना कि गुरु जी हमने ये साधना की है, गए साल हमारे पास 100 रुपए थे, आज 10,000 रुपए है, ये बात कहे तो मैं ये साधना श्रेष्ठ कहता हूँ और मैं दी हुई साधना श्रेष्ठ मानता हूँ। आपको आशीर्वाद देता हूँ, ऐसी 4 साधनाएं जो रोग की निवृत्ति कर, किसी प्रकार का रोग हो उसकी रोग की निवृत्ति करते हुए आपको कायाकल्प का कायाकल्प कर देती है आपके शरीर की, ऐसी साधना, धन की साधना, मनोकामना पूर्ति की साधना, नौकरी या शादी नहीं हो रही है उनके लिए साधना, 4 साधनाएं 4 बोर्ड पर लिखा हूं। आपको जो साधना करनी इच्छा करने की इच्छा है, आप पहले आए हैं इसलिए आज वो साधनाएं संपूर्ण कर लो। उसके बाद सब लोग भोजन होने के बाद सभी लोग मिलकर कंदकुर जाएंगे, और वहां से गुरु जी को शोभा यात्रा में पालकी में जो लेकर आज 10-13 पालकियां आए हुई है, ये मेरा सौभाग्य है। मैं छाती ठोकर गर्व के साथ कहता हूं कि आज निखिलेशानंद की पालकी केवल हैदराबाद में आती है, किसी कहीं भी जगह नहीं आती, और यह मेरे ऊपर गुरु की कृपा है और मेरे साधकों का प्रेम मेरे प्रति है, और यह पालकियां आते हैं, हम उन पालकियों को गुरु जी को बैठकर गुरु जी को यहां तक लेके आएंगे। सभी लोग आपका भोजन होने के बाद सब लोग कंदकुर पहुंचेंगे, और वहां से हम रथ में गुरु जी को यहां लेके आएंगे, उसके बाद रात की साधना संपन्न होगी। अब पहले गुरु मंत्र जप कर लो, और जो भी इन 4 साधनाओं में आपको चाहिए वो साधना संपन्न करो 1 बजे तक, और उसके बाद हम आगे का कार्यक्रम मैं तुम्हें बोलता हूँ। बोर्ड पे साधनाएं लिखी हुई है, पहले गुरु मंत्र जप कर लो, और आप देखो छोटी साधना है, मैं कोई लाख हो लाख जप करो या इतना करो उतना करो नहीं कह रहा हूँ, ये छोटी छोटी साधनाएं आपके जीवन में, जो बच्चा अल्लड़ है आपके पास वो पढ़ाई नहीं करता, घर में माता पिता को गालियां देता है मारता है, ऐसे बहुत से लोगों से लोगों के साथ मेरे साथ है, ऐसे ही एक अल्लड़ बच्चे को अच्छी तरह बदलने की भी साधना मैंने दी है। वो बच्चे जो पढ़ाई नहीं करते, माँ बाप को गालियां देते हैं या कुछ काम नहीं करते, नौकरी नहीं करते, बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए भी मैंने साधना दिए। एक बार 4 बोर्ड पर मैंने साधनाएं लिखी है, और बोर्ड पर साधना पढ़ लो और उसकी सामग्री लेकर 1 घंटे की साधना है। अगर ये 4 साधनाएं भी आप बैठे तो 4 घंटे में पूरी 4 साधनाएं हो सकती है। ये लघु साधना इसलिए दिया हूं कि आप मेरे सामने ही करें और उसका फल प्राप्त करें, और अगले गुरु पूर्णिमा में आप बोले कि गुरु जी हमारी इच्छा पूर्ण हुई, यही आशा रखता हुआ आप सभी को आशीर्वाद देता हूं, और एक बार जय घोष करेंगे, बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की, वंदनीय माता जी की, गुरुमत गुरुदेव की, सर्व सिद्धाश्रम की, सर्व सिद्धाश्रम साधक परिवार की, बोलो हर हर महादेव। आपके जीवन में कभी कुछ कम ना पड़े, यहां से अगर हैदराबाद से कोई साधक जाता है, मैं केवल साधनाएं बोलता हूँ, शक्तिपात दीक्षा नहीं, मैं साधना इसलिए देता हूँ, शक्तिपात भी इसलिए करता हूँ कि आप साधना करने में आपको शक्ति प्राप्त हो। आप ऐसी साधनाएं संपन्न करें, और अगले गुरु पूर्णिमा में बोले, मैं गत बार भी बोला और आज भी बोल रहा हूं, एक बार हैदराबाद से जुड़ने के बाद मैंने देखा है कि कोई साधक छूट के नहीं जाता, क्योंकि उसको मैंने साधना का मार्ग जो गुरु जी ने कहा है सिद्धार्थ साधक परिवार का मार्ग, वही साधना का मार्ग आपको दिया है, और वो साधना मार्ग करने वाले कभी छूटते नहीं। मैं आपको फ्री में कुछ देने वाला नहीं, साधना करो और आप फल को प्राप्त करो, फल नहीं प्राप्त हुआ तो मैं आपके पीछे आऊंगा कितने ही साल हो, लेकिन ये बात नहीं, मैंने आज गुरु को 1983 में मिला था और 85 से मैंने साधनाएं आरंभ की थी, आज कम से कम 40 साल हो गए, और 40 साल तक आज आप देख रहे हैं, आप मेरे सामने बैठे हैं, तो मेरी उस सहन शक्ति को देखो कि मैंने 40 साल में क्या क्या किया है। आपको 40 साल तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपको वो साधनाएं सभी करवाते रहूंगा। हम ये नहीं हो सकता कि एक ही बार करते आपको सिद्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी, नहीं बोल सकता, लेकिन इन छोटी साधनाओं का तो फल जरूर मिलेगा। ऐसी मनोकामना नहीं करना कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी हो जाऊं, ऐसी साधना ऐसी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, क्योंकि उसका जिसका कार्य है ऐसा कार्य करें, और आप ऐसी मनोकामना बोले जो आपको निश्चित रूप से जल्दी होना है, आपको वो बोर्ड भर के साधना संपन्न करें, आपकी मनोकामना सिद्ध हो ऐसा देखता हूं। मैं हर साधना में, आप दशमा विद्या साधना मैंने गुरु जी 1 बार की 2 बार की 4 बार की 5 बार की, ये आप सब लोग मुझे बोलते हैं, मैं तुम्हें कहता हूं कि वशिष्ठ महर्षि 1000 वर्ष साधना किए तारा का, और उनको जब तारा सिद्ध नहीं हुई तो उन्होंने तारा मंत्र को शाप देने गए, तो तब ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि शाप मत दे, तू मंत्र गलत कर रहा है। वशिष्ठ ही ये गलती करते हैं, और जो 1000 वर्ष होने के बाद उनको सिद्धि नहीं मिलती, तो अपने में तो गलतियां होना तो मामूल है। हम 5 दिन साधना करते हैं, 16 दिन साधना करते कहते हैं कि तारा गुरु जी प्रत्यक्ष नहीं हुई। मैं तुम्हें एक गारंटी देता हूं कि गुरु जी का हर एक वचन सिद्ध है, गुरु जी की हर एक साधना सिद्ध है। मैंने तारा को सिद्ध होते देखा है, तारा के बारे में गुरु जी ने जो कहा है उसका मैंने अनुभव किया, जो आपके सामने आज आश्रम है। तारा ही नहीं, काली ही नहीं, छिन्नमस्ता ही नहीं, मैं हर नवरात्रि में एक एक महाविद्या करता हूं, और आप आज सब मेरे आपके सामने बैठे हैं। मैं केवल गुरु पर विश्वास करके ही जीता हूं, न मेरा माँ बाप कोई देवता है, न देवता मानना ये मेरा कर्तव्य है, कोई ऐसे देने वाले नहीं थे, कोई धनवान थे कुछ दें,
लेकिन उनकी कृपा मुझ पर भी है और माता पिता के उनकी कृपा और मेरे गुरु की कृपा है जो आप मेरे सामने बैठे हुए हैं और यह जो कार्य करते हैं आपके निश्चित रूप से नौकरी की बात हो, धन की बात हो, आपके बच्चों की कोई गुस्त सुख की बात हो, इन चार साधनाओं में कर लो, कोई रोग आपको पीड़ित कर रहा हो तो छोटी छोटी साधनाएं हैं, इसको आप बैठे बैठे कर लो। हम सब लोग 2 बजे कंदकुट जाएंगे और 4 बजे शोभा यात्रा से यहाँ लौटेंगे, फिर रात का कार्यक्रम आरंभ होगा। आपको पुनः आशीर्वाद देता हूँ, आप पढ़ लेकर पहले गुरु मंत्र जप कर लें और बाद में साधना संपन्न कर लें।